हमारा टॉपिक आज का जो टॉपिक रहेगा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। ठीक है, और काफी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। थ्योरीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, थ्योरी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। व्हाट इज द थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जितने भी बच्चे अभी तक लाइव नहीं आया, जल्दी से लाइव आ जाइए और इस सेशन को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। अगर हम बात करें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, ठीक है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मोस्टली हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। किसकी बात करते हैं हम? मोस्टली वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, एंड इन द ऑर्गेनाइजेशन देयर नीड्स सम काइंड्स ऑफ मैनेजमेंट एटसेट्रा। सो इसके लिए जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रशासन, यानी कि किसी तरह के वो प्रशासन की अगर हम बात करें, जैसे हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा था कि फॉर्मल होता है या इनफॉर्मल होता है, ठीक है, या इसके साथ साथ अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, वो पब्लिक हो सकता है और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है। ठीक है, तो उसी तरह से हम ऑर्गेनाइजेशन को भी दो पार्ट्स में बांटते हैं। या तो कोई आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन होगी वो पब्लिक सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है या प्राइवेट सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। दो तरह से हम देखेंगे। ठीक है, ये हमारा बेसिक सा एक स्ट्रक्चराइजेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। या तो कोई ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट सेक्टर की होगी तो वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगी, अगर गवर्नमेंट सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन है तो वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहलाएगा, यानी कि लोक प्रशासन कहलाएगा, या सरकारी संस्थान कहलाएंगे या प्राइवेट संस्थान कहलाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से दो भागों में इसको डिवाइड किया गया है। अगर हम थ्योरीज की बात करें, ठीक है, तो थ्योरीज में हम मोस्टली अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो देयर आर मैनी थ्योरीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग द वर्ड थ्योरी मे नॉट बी वेरी करेक्ट टू यूज एट द प्रेजेंट स्टेज ऑफ अ डेवलपमेंट ऑफ द सब्जेक्ट। ओके, जैसा कि मैं बात करूं ओनली एंड ओनली थ्योरी की, तो इतना ही कहना काफी नहीं है। सो अगर हम इसको बेस्ट वे में अंडरस्टैंड करना है, देर आर फ्यू थ्योरीज गिवन बाय द वेरियस थ्योरिस्ट, यानी कि आप उसको लोक प्रशासन के विचारक कह सकते हैं, थिंकर, उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी है। जैसा जिसको समझ आए उस हिसाब से सभी ने लोक प्रशासन को डिफाइन करने की कोशिश की। तो इसको जब डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट थ्योरी इज द क्लासिकल थ्योरी। कौन सी थ्योरी है? द क्लासिकल थ्योरी। सेकेंड इज साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। सेकेंड इज साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। ओके, थर्ड इज ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। कौन सी थ्योरी है? ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। फोर्थ वन इज ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। ठीक है, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। नेक्स्ट इज बिहेवियरल थ्योरी। फिफ्थ वन इज बिहेवियरल थ्योरी। नेक्स्ट इज बिहेवियरल थ्योरी। उसके बाद आती है हमारी द सिस्टम थ्योरी। द सिस्टम थ्योरी। नेक्स्ट इज सेवंथ एंड लास्ट वन ओपन एंड क्लोज सिस्टम। कौन सी है? ओपन एंड क्लोज सिस्टम। ये लगभग लगभग सात तरह की हमारे पास यहाँ पे थ्योरीज दी गई है। किसकी थ्योरी है? ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन की थ्योरी दी गई है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। और आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे क्लासिकल थ्योरी की। किसकी बात करेंगे? आज हम प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि क्लासिकल थ्योरी क्या होती है, क्लासिकल थ्योरी में क्या क्या बातें कही गई है, वो ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से डिफाइन करते हैं और क्या उनका बेसिक फॉर्मूलाज है या कुछ
किस तरह से उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को समझाने की कोशिश की है कि एक जो संस्थान होता है वो किस तरह से बनता है, क्या उसके स्ट्रक्चर होता है, किस तरह से उसमें मैनेजमेंट किया जाता है, वो सारी की सारी बातें आज हम क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करने की कोशिश करेंगे। द क्लासिकल थ्योरी इज ऑल्सो नोन बाय वेरियस नेम्स लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, द ट्रेडिशनल थ्योरी, द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड द मैकेनिस्टिक थ्योरी एंड स्ट्रक्चरल थ्योरी। सो दीज आर द नेम गिवन टू द क्लासिकल थ्योरी, वेरियस नेम्स गिवन। ओके, इफ आई विल राइट हियर, फर्स्ट इज इट इज कॉल्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, सेकेंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रेडिशनल थ्योरी, थर्ड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, एज वेल एज इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैकेनिस्टिक थ्योरी। ओके, एंड स्ट्रक्चरल थ्योरी टू। ये सारे के सारे जो नेम दिए गए हैं ये किसके लिए दिए गए हैं, क्लासिकल थ्योरी को डिफाइन करने के लिए ये सब नेम दिए गए। इफ विल टॉक अबाउट द मोर अबाउट दिस सिस्टम या दिस क्लासिकल थ्योरी, द थ्योरी इज अ डोमिनेटेड वन इन द फील्ड एंड हैज बीन एनन्सिएटेड नोटेबल बाय हेनरी फ्योल, लूथर गुलिक, ओके, एल एफ उर्वेक, जे डी मूनी, ए सी रिलाय एंड मैरी पार्कर फैलेट एंड आर शेल्टन एटसेट्रा। ओके, जिसके मेन थ्योरिस्ट रहे, जिन्होंने क्लासिकल थ्योरी के बेस को या स्ट्रक्चर को डेवलप किया है, उसमें मुख्य रूप से हेनरी फ्योल, ठीक है, उर्वेक, जे डी मूनी एटसेट्रा भागीदार रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इसके इवोल्यूशन की, तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज मेड एक्सप्लिसिट इन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स, रूल्स, books, manual, rules of procedure, etc. And it deals with what is called formal organization. An organization which is deliberately and rationally designed to fulfill the objective of an organization. So the classical theory treats an organization as a closed system. Mostly, we will talk about the classical theory. This is the closed system. What is it? It is the closed system and completely unconnected with and completely unconnected. Completely unconnected or uninfluenced. 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 By its external environment, by its external environment, is it? So it is more concerned with what ought to be, and this kept it away from the study of actual behavior in the organization. Okay. So, but in सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका या इसको डिफाइन करने की कोशिश की कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, उसका प्लानिंग क्या हो सकती है, द फर्स्ट प्रोपोनेंट ऑफ दिस थ्योरी वाज हेनरी फ्योल। इसमें हम किसका महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, हेनरी फ्योल का, हेनरी फ्योल का इसमें हम कॉन्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। Henry Fayol was the theorist he studied. His study begins in 1841 से 1925 के बीच उनका जो पूरा कार्यकाल रहा, ठीक है, एंड जीवन का जितना भी उनका कार्यकाल रहा वो 1841 से लेकर 1925 तक रहा। इसके बीच, ठीक है, उन्होंने अपनी जो बहुत सारी चीजें करने की कोशिश की एंड हिज बुक एंटाइटल्ड विद जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ठीक है, उनकी जो बुक का नाम था वो क्या था, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट,
जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पब्लिश्ड इन फ्रांस, कहाँ इनकी पब्लिश कहाँ की गई, वो पब्लिश इन फ्रांस इन 1960 एंड इट्स इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन was published in was published in 1929. Okay, so it is a classical treatise, and according to Urwick, this book has probably had more influence on the idea of a business management in Europe and especially in the Latin countries than any other works. According to Fuel, knowledge of administration rather than technical knowledge is needed at higher level of an organization. He defined the primary function of the administration as Henry Ford का जो main point था, he discussed that कि जो हमारी organization है वहां पर technical knowledge तो होनी चाहिए, लेकिन टेक्निकल नॉलेज से ज्यादा क्या है कि वहां पे हमें एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज भी बड़े हाई लेवल की चाहिए. और उस हाई लेवल के लिए उन्होंने कुछ ऑर्गेनाइजेशन के या एडमिनिस्ट्रेशन के जो फंक्शन है उसको डिफाइन करने की कोशिश की. सो फर्स्ट फंक्शन जो उन्होंने डिफाइन किया है दैट इज टू प्लान, कि भाई प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. अगर आपकी प्लानिंग में बिल्कुल भी थोड़ी सी कहीं पे चूक रह जाती है या कमी रह जाती है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो डेवलपमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन की जो फ्यूचर प्लानिंग है वो कहीं ना कहीं गलत दिशा या डायरेक्शन की तरफ जा सकती है. अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो उन्होंने बताया कि टू ऑर्गेनाइज बोथ मैन एंड मटेरियल, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैन एंड मटेरियल्स यूज होते हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से होना चाहिए. हमें पता होना चाहिए कि कितनी हमारे पास लेबर चाहिए, कितना हमारे पास रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है, किस क्वांटिटी में चाहिए, कहाँ से इसको हम चीफ रेट में अवेलेबल करवा सकते हैं, और जो लेबर होगी वो कहाँ से हम स्किल्ड ले सकते हैं, कहाँ से किस काम के लिए अनस्किल्ड लेबर का रिक्वायरमेंट है, किस वर्क के लिए हमें स्किल्ड लेबर का वर्क है, ठीक है. तो ये सारा का सारा जो मैनेजमेंट है या ऑर्गेनाइजेशन है या इनका प्रॉपर चैनलाइजेशन है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के पास होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को इसके बारे में पता होना चाहिए. तीसरी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो है कि टू टेल द सबॉर्डिनेट व्हाट टू डू. यानी कि जो कमांड है या जो ऑर्डर रहेगा आपका सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट के बीच वो ऐसा होना चाहिए कि वहां पे सभी को पता चल सके कि हमें क्या काम करना है और कैसे काम करना है. उसके बारे में जो वर्क का डिवीजन है वो प्रॉपरली डिफाइन होना चाहिए और सबॉर्डिनेट को हर तरह के काम के लिए पहले से ही इंफॉर्मेशन मिल जानी चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट है दैट इज टू कोऑर्डिनेट, ठीक है. जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है. जो सबॉर्डिनेट है सुपीरियर के बीच रिलेशन है, किस तरह से वो आपसी तालमेल बनाए रखते हैं, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को एक राइट वे में डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, या डिसीजन मेकिंग में उनकी क्या भागीदारी रहती है, सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट की आपसी किस तरह से बॉन्डिंग बनाते हैं किसी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, तो उसमें कोऑर्डिनेशन का महत्वपूर्ण रोल रहता है, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास आता है लास्ट पॉइंट टू कंट्रोल, ठीक है. सबसे महत्वपूर्ण जो ऑर्गेनाइजेशन के पास टूल्स होता है तो वो होता है कंट्रोल का, ठीक है.
कि हर तरह के डिसीजन, हर तरह की सिचुएशन के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन या एडमिनिस्ट्रेशन अपना कंट्रोल बनाए रखे, वो अनकंट्रोल्ड ना हो। किसी भी पॉइंट में अगर कोई एडवर्स सिचुएशन रहती है तो उसको हैंडल आउट करने के लिए उनके पास प्रॉपर स्किल हो, ठीक है। तो इस तरह से ये एडमिनिस्ट्रेशन को हेनरी फ्योल ने डिफाइन किया कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो प्रॉपर प्लानिंग करे और साथ ही साथ मैन एंड मटेरियल का प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशन हो, एंड प्लस उसके साथ साथ जो उनकी कमांड होगी सबऑर्डिनेट के लिए वो वेल हो, वेल डिफाइंड हो, उनको पहले से ही प्री इंफॉर्मेशन हो जाए कि व्हाट दे हैव टू डू द नेक्स्ट लेवल, एंड देन देयर मस्ट बी प्रॉपर काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड आल्सो द फुल कंट्रोल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन, ओवर द मैन एंड मटीरियल। ओके, सो दीज आर द फाइव पॉइंट्स व्हिच हैज बीन मेंशनड बाय द हेनरी फ्यूल। वी विल टॉक अबाउट मोर The contribution of fuel to the growth of classical administrative thought can be studied under three heads. First is the activities of an industrial undertaking. So, activities of industrial undertaking. Administration और इसी तरह से according to the fuel समझने की कोशिश करें तो three heads में इन्होंने divide किया, ठीक है। इसको अगर आप इस तरह से लिखें, ठीक है, कि administrative activity defined by fuel are, first इसमें लिखेंगे आप activities of an industrial undertaking, activities of an industrial undertaking. दूसरा इसमें रहेगा आपका elements of administration. तीसरा है principle of administration. So, जो first activity है, इसको further, इसमें देखा गया कि जो activity है of industrial undertaking में किस तरह की activity perform की जाती है, तो वो mostly रहेगी कि technical की जो industry है उसमें technical advancement है या नहीं है, उसका commercial activity कैसी है, ठीक है, plus उसका financial position, किसी organization का financial position किस level पे है, ठीक है, उसकी सिक्योरिटी क्या है, ठीक है, सिक्योरिटी होना किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है, प्लस अकाउंटिंग, उसका अकाउंटिंग सही चल रहा है, उसका जो डेटाबेस है, उसका जितना भी फाइनेंशियल पोजीशन है, वो सारी की सारी चीजें हमें अकाउंटिंग से पता चलेगी। फिर लास्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, सो ये 5-6 हेड्स जो बताए गए हैं इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में, ये महत्वपूर्ण। हम बात करें दूसरे पॉइंट की, एलिमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की, उस पॉइंट में उन्होंने डिस्कस करने की कोशिश की है कि महत्वपूर्ण जो एलिमेंट्स एंड फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात की है, तो वो है कि फॉरकास्टिंग एंड प्लानिंग। सबसे पहले तो अगर हम एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की भी फॉरकास्टिंग, कि उनको पता होना चाहिए फ्यूचर में बिजनेस अप्स एंड डाउन्स का क्या है, ठीक है, एंड प्रॉपर उसकी प्लानिंग भी कर सके, ठीक है। अगर हमें फ्यूचर की फॉरकास्टिंग करना, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को अपनाना है, क्योंकि बिजनेस मोस्टली या ऑर्गेनाइजेशन जो रन करती है वो फ्यूचर को प्लान करके रन करती है, तो हमें पहले से ही पता होना चाहिए हमारी फॉरकास्टिंग समवट समहाउ किसी भी तरह से करेक्ट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जो आज हम फॉरकास्टिंग कर रहे हैं वो कल दिन सही बिल्कुल भी ना हो, ठीक है, किसी भी पैन उसमें ग्राउंड, उसको ग्राउंड रियलिटी ना मिले। So that forecasting must possess some kinds of a ground reality. Then we'll talk about the second point of organizing. ठीक है, कि उसका जो organizing है, things को organize करने का, या organization को, staff को, organization जो organization का organizing part है वो भी well defined होना चाहिए, ठीक है। Then commanding, जो administration का command वाला part है वो
बेस्ट होना चाहिए, वो सही से कमांड हो। ऐसा ना हो कि जो आप कमांड कर रहे हैं उसको कोई एक्सेप्ट ही ना कर रहा हो, वहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम रिजेक्शन हो, ठीक है, या रिवॉल्ट हो आपके अगेंस्ट। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी रोल ना हो, ठीक है, कमांडिंग आप सही रहे, ठीक है, सुपीरियर सबॉर्डिनेट का जो रिलेशन है उसके लिए आपका प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो, ठीक है, एंड देन आल्सो द कंट्रोल, ठीक है, आपका बेस्ट कंट्रोल हो और द अटमोस्ट कंट्रोल हो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। एडमिनिस्ट्रेटिव मोस्टली कंट्रोलिंग द मैन मटेरियल एंड ऑल द थिंग्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड एलिमेंट की अगर बात करें, ठीक है, तो थर्ड एलिमेंट में प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात की है, प्रिंसिपल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन की बात की है। तो हेनरी फ्योल ने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए 14 टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल की बात की है, 14 प्रिंसिपल उन्होंने, ठीक है, कितने प्रिंसिपल है, 14 प्रिंसिपल। और ये मोस्ट ऑफ टाइम पूछा भी जाता है कि वो 14 प्रिंसिपल किसने दिए, ठीक है, कितने दिए हैं, 14 प्रिंसिपल की इन्होंने बात की। और वो 14 प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, इसमें है डिवीजन ऑफ वर्क, फर्स्ट है डिवीजन ऑफ वर्क, सेकंड है हमारे पास अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेक्स्ट है डिसिप्लिन, नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड, उसके बाद नेक्स्ट रहेगा दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, नेक्स्ट है हमारे पास सबॉर्डिनेट या सबॉर्डिनेशन ऑफ, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू, इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, जनरल इंटरेस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन। नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, क्या है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारे पास स्केलर चेन, इसको और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द स्केलर चेन, ठीक है, SCALAR, स्केलर चेन। नेक्स्ट है ऑर्डर, नेक्स्ट है हमारे पास इक्विटी, एंड देन नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, एंड इनिशिएटिव, क्या है नेक्स्ट हमारे पास, इनिशिएटिव एंड नेक्स्ट इज एस्ट्रेट डी कॉर्पस, ESPRIT, aspect D corpus, okay? इसका मतलब है harmony और union is strength, इसको आप लिख सकते हैं union of strength। इसको कई बार पूछ भी लेते हैं, aspect D corpus, what is the meaning of एस्पिरेट डी कॉर्पस, इसका मीनिंग पेपर में कई बार पूछ लेते। तो ये इसके 14 प्रिंसिपल है, किसके है, हेनरी फ्योल। तो आज की इस लेक्चर में हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा हमने, हेनरी फ्योल को पढ़ा, हमने देखा कि 14 प्रिंसिपल उन्होंने दिए हैं, डिवीजन ऑफ वर्क,
रीजन ऑफ वर्क का मतलब है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें प्री डिफाइंड होना चाहिए कि किस व्यक्ति को कौन सा काम करना है। ऐसा ना हो कि जब कोई टेक्निकल आदमी लेबोरियस वर्क करने लग गया और कोई लेबोरियस आदमी टेक्निकल काम करना कर रहा है, या अकाउंट्स वाला आदमी मैनेजमेंट को देख रहा है, मैनेजमेंट वाला अकाउंट्स कर रहा है। इस तरह की ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी ना हो, ठीक है। उसमें प्रॉपरली डिफाइंड डिविजन ऑफ वर्क हो कि किस व्यक्ति को कौन सा काम करना, और रेगुलरली वो उसमें एफिशिएंट हो सके। एंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी होनी चाहिए, ठीक है। जो भी व्यक्ति जिस काम को कर रहा है उसके पास उस काम को करने की पूरी अथॉरिटी हो, और जब वो उस काम को कर रहा है तो वो रिस्पॉन्सिबल भी हो उस काम के लिए, ठीक है। तो ये सेकेंड प्रिंसिपल है। थर्ड प्रिंसिपल है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऐसा नहीं है कि आज आ रहा है आदमी, फिर 4 दिन बाद आ रहा है, फिर 6 दिन बाद आ रहा है, या फिर 6 दिन तक आया, फिर 10 दिन तक नहीं आ रहा। तो उससे क्या है, सिस्टम ऑफ वर्क है वो हेम्पर होता है। इसलिए कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि वो प्रॉपर काइंड ऑफ सिस्टम एंड डिसिप्लिन मेंटेन करे, प्लस उसमें यूनिटी ऑफ जो कमांड है और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है वो प्रॉपर बनी रहे, ठीक है। उसमें सुपीरियर सबॉर्डिनेट प्रॉपरली डायरेक्ट करे, ठीक है, सबॉर्डिनेशन को भी एक उसका जनरल, ताकि वो जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क कर सके, ठीक है। उसके बाद आती है सबॉर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब है कि आप व्यक्तिगत हो के ना रह के आप क्या जनरल हो, आप प्रो पब्लिक हो, पब्लिक के इंटरेस्ट में ज्यादा से ज्यादा काम करें। प्लस है रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब है कि जो आप काम कर रहे हैं उसके बदले जो आपको आय आएगी या इनकम आएगी वो भी एक सिस्टमेटिकली डिफाइंड हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपको किसी मंथ आपको 2,000 मिले, किसी मंथ आपको 10,000 मिले, ठीक है। जो आपको प्री डिफाइंड इनकम बताई जाएगी उसके अकॉर्डिंग ही आपको काम दिया जाएगा, और अकॉर्डिंग टू वर्क आपको सैलरी मिलनी ही मिलनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड रेम्यूनरेशन प्रॉपर हो। फिर सेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन का, प्लस डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन है कि कुछ वर्क ऐसा होना चाहिए जो एक यूनिटी जिसकी अथॉरिटी एंड पावर किसी एक व्यक्ति के पास हो, और कुछ एक ऐसी पावर या वर्क है कि जो आप डिसेंट्रलाइज कर सके, उसका आपको डेफिनेटली डिवीजन करना चाहिए और आगे सबॉर्डिनेट को वो सबॉर्डिनेट कर देनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है स्केलर है। उसका एक चेन होता है, ठीक है, कि आप जब ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो एक प्रॉपर आपका उसमें मैनेजमेंट हो, और साथ ही साथ अगर आप देखें स्केलर का मीनिंग यही होता है कि उसमें हायरार्की प्रॉपर बनी रहे आपकी, ठीक है। प्लस उसमें ऑर्डर है, ठीक है, आप कौन ऑर्डर दे सकता है, कौन एक्सेप्ट करेगा उसका पहले से पता, इक्विटी यानी कि इक्वालिटी की उसमें बात है कि सभी को प्रॉपर काइंड ऑफ इक्वालिटी वहां पे ट्रीटमेंट हो, स्टेबिलिटी हो, ठीक है, ऑफ टेन्योर है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आज एम्प्लॉय को बुला दिया फिर उसको 6 दिन तक नहीं बुलाया, तो वहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर होना चाहिए। फिर इनिशिएटिव्स, नए नए इनिशिएटिव ऑर्गेनाइजेशन लेती रहे। लास्ट है कि यूनियन ऑफ स्ट्रेंथ हो, ठीक है। तो ये 14 प्रिंसिपल थे। होप सो कि इस वीडियो को, इस लेक्चर को अटेंड करके आपको काफी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। थैंक्स टू अटेंड दिस क्लास।